दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हो जिया हो बिहार के लाल, जिया तू हजार साल। कौन सा पार्ट बजा था सर सबसे पहले रामलीला में? कहीं ठीक है कि अगर हंसी मजाक भी करेंगे तो या तो भाभी से या तो भैया की बहन से, और सारी रूम की लाइनें बंद है। उनका बतारी कमारी मारेगा, उनका बतारी कमारी। इतने में गाना खत्म। सर मैं जब जेएनयू में पढ़ रहा था तो ऐसा नहीं कि कुछ एंकर क्या करते हैं कि जो सामने आता है ना बता देते हैं कि मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। जैसे आपके नेता भी कभी कभी ये करते हैं, वो जहां जाते हैं वहां से नाता जोड़ लेते हैं, अच्छी चीज है। पर मैंने जब मैं जेएनयू में पढ़ रहा था तो मैं सर बुंदेलखंड से आता हूँ, हमें भोजपुरी नहीं आती। और जेएनयू में बिहार के बहुत सारे भाई बंधु थे, तो जो पहला गाना मैंने सुना और थोड़ा बहुत सीख लिया वो आपका गाया हुआ गाना था बगल वाली। तो सर हंसते हैं, पता नहीं कब बीज गिर जाते हैं मिट्टी में, कब अखुए फूट जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार कभी मौका मिलेगा तो मनोज जी को ये बात आमने सामने बताऊंगा, आज मिल गया लल्लन टॉप की वजह से। सर ये एक पेटी बाजा बैंड है, लल्लन टॉप पेटी बाजा बैंड। ये सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट हैं, कुछ पास आउट हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। पुनीत तो बनारस से हैं और कमाल का गाते भी हैं भोजपुरी में। ये बड़ा इसरार कर रहे थे कि नेता मनोज तिवारी का भी तो दिल करता होगा पुराने दिनों की तरह जैमिंग करने का, थोड़ा गा लें थोड़ा सुन लें। तो मैं आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा, हालांकि पेशे से पत्रकार हूं, बहुत सवाल है बहुत सवाल हैं, बहुत यादें भी हैं। जब गोरखपुर से चुनाव लड़े थे वो भी ध्यान है, उसके पहले का भी, बाद का भी। पर बोल रहा हूं ना सर, वो आदत से मजबूर हूं, पर ये चूंकि अभी संगीत का है इसलिए कुछ नहीं पूछूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मनोज तिवारी मृदुल, यही नाम है ना सर, मनोज तिवारी मृदुल की जिंदगी में मौसकी का पहला दाखिला कब और कैसे हुआ? स्वर संगीत माई की गाई हुई कोई लोरी कोई भजन? हाँ मैं श्याम रंगीला, श्याम रंगीला आ गया। एक्चुअली मैं गाना कंपोज भी करता हूँ और गाना लिखता भी हूँ, और जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं ना उनको जोड़ते रहता हूँ, उनको नया करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी हालांकि मेरे बाबूजी भी गाते थे लेकिन गाना मेरी माँ ने सिखाया, तो माँ तो फोक जानती है तो वही सिखाती है। प्रवीण जी पीछे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, उनको आप बोलेंगे पहला क्या चीज का जो मुझे आया, तो पहली बार मुझे वो देवी माँ के गीत आए मेरे ध्यान में, क्योंकि वो माँ गुनगुनाती रहती थी। तो जो पहला गीत है ना, सुर देंगे? बिल्कुल देंगे सर। निबिया के डाढ़ मैया डाले ली झुलवा हो की झूली झूली ना, निबिया के डाढ़ मैया डाले ली झुलवा हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली बिटिया हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली बिटिया हो की झूली झूली ना। झूलत झूलत हवाई के लागली पियसिया हो की चली भैली ना, जैसन हे मालिन तू हमके जुड़वैलो हो कि वैसे वैसे ना, उनकर मलिया जुड़ा मालिन होंगे वैसे ना, उनकर मलिया जुड़ा मालिन वैसे वैसे ना। निविया के डाढ़ मैया डालेली झुलवा मैया। अब ये सब नया नया आता है, मुझे लगता है इसमें हम कुछ और भी नया कर सकते थे, अब ये मैं नया कर रहा हूँ। निविया के डाढ़ मैया डारेली झुलवा मैया, गावेली गीतिया मैया झूमी झूमी ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो की झूमी झूमी ना,
मैया मोरी। अब मैं इसमें और भी कुछ चेंज कर सकता हूँ। निविया के डाढ़ मैया डाले ली झुलवा मैया, निविया के डाढ़ पातर झूले ली मोरे शीतली मैया। हे मैया हो तोहरे बलकवा गोहरावल हो राम। हे मैया हो तोहरे बलकवा गोहरावल हो राम। हे मैया हो जवनी आशिषिया मैया मालिनी के दिहलू माई, जवनी आशिषिया मैया मालिनी के दिहलू माई। हे मैया हो ऊहे आशिषिया सबके दी हो हे माँ। हे माई हो ऊहे आशिषिया सबके दी हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते गया, अभी भी करता हूँ। अभी लखनऊ सेंट्रल एक पिक्चर आई तो फरहान ने बोला कि मनोज भाई एक आप गेस्ट रोल कर दीजिए। तो मैंने पूछा क्या है, तो बोला कि एक गायक का मैं फैन हूँ और मैं चाहता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ। तो हम सोची तो बड़ा बढ़िया, तो भाई रंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा हो। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा पहला थॉट ही आया कि लोग ये लोग कह रहे फरहान अख्तर व मनोज भैया के फैन बा, तो अपना काम हो गया। भाई फरहान एक अपना उसकी अलग मुकाम है, हमारा अलग मुकाम है। स्क्रीन पे वो दौड़ रहा है, मनोज भैया हमारा सीडी। ओके बस ये रोल जरूर करूँगा। और बहुत स्वीट सा फरहान और उसके डायरेक्टर सब लोग, निखिल अडवाणी प्रोड्यूसर। तो बोला एक गाना गाना है, तो गाना वो लोग अपने से बना के लाए थे। तो मुझे लगा कि गाना में अंग्रेजी है, हम कहने मर्द कैसे पता चली कि मनोज तिवारी गाँव लेवा। तो मैंने कहा मेरा गाना लगाओ। तो मैंने अब देखो मेरे सामने था कि मनोज तिवारी कंपोज करे, वो गांव वाला भी लगे, तो मैंने गाना कंपोज किया। उस फिल्म में है अरे गोरी गोरी गलिया पे तिला बटे करिया जान मारे ला। तो कौन से सुने हम गा रहे हैं चौथा काला दबा दो। अरे गोरे गोरे गलिया पे तिला बटे करिया जान मारेला, उनकर पतरी कमरिया उनकर पतरी कमरिया जान मारेला। अरे अरे चले ली जब रहिया में छलक गगरिया, हर देखी देखी मारा ताटे हाट रे बजरिया जान मारे अरे जान मारेला। मदकल दुपहरिया में शीतली बयरिया जान मारेला, उनकर बदरी कमरी जान मारेला उनकर बदरी कमरी। इतने में गाना खत्म। इतने देर में हीरो आता है, वो कोशिश करता है नहीं मिल पाता है, उनके बस काम हो गया। जब भी मौका मिले ना उसको उसका सदुपयोग करना चाहिए। कई बार अभी उधर बोला मुझसे कि ललन टॉप का चल रहा है, हमने तो हमको हमारा जो हमारे साथ जो लड़के हैं ना, जो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, जो हमारे पीएस वेस हैं, तो वो लोग आजकल ललन टॉप की बड़ी चर्चा करते हैं। हमने चलो अच्छा है ललन टॉप भी बैठे लोग, तो मैं मौका छोड़ता नहीं छोड़ना हम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दो सवाल हैं आपके जवाब से उपजे। पहला तो ये, और मैं ये हर कामयाब आदमी से जानना चाहता हूँ, आज हमें मनोज तिवारी दिखते हैं, सफल राजनेता मनोज तिवारी, सफल सिंगर एक्टर, पर एक आदमी के सफल होने में कई लोगों की मेहनत होती है। मनोज तिवारी के पीछे कौन है? माता पिता पत्नी बहन, उनका क्या संघर्ष है, उनका क्या सहयोग है, उनके बारे में भी बात हो, मंच पर उनका भी जिक्र हो। हाँ हाँ, तो मैं तो अपनी माँ को
मेरी माँ ही गुरु है, वो निबिया के डाल मैया वही सिखाई थी। क्या नाम था आंटी का, क्या नाम है? मेरी माँ है, क्या नाम? मेरी माँ इस समय 81 साल की है, ललिता देवी नाम है उसका। तो वो हमारी गुरु है और मेरे बाबूजी ने वो अनुवांशिकी आ गया मेरे में, और मेरे दोस्तों का बहुत योगदान है। जैसे मैं अपने गांव के रमा शंकर को नहीं भूल सकता, जो मुझे रामलीला में अच्छा अच्छा पार्ट देता था, जो गाने वाला होता था, तो उससे पहचान बनती थी। कौन सा पार्ट मिला था सर सबसे पहले रामलीला में? कैकेयी का। कैकेयी को गाना गाना होता था ना, कौन सा वाला? पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो, हरे सुनी सुनी मोरी जरे छतिया, सुनी सुनी मोरी जरे छतिया, पिया हमसे न बोलो। अब ये गाना तो कई कह रही है दशरथ से, तो कोई गाने वाला मिलता ही नहीं था, तो मुझे ही दशरथ वाला भी नहीं, दशरथ वाले तो अच्छा दशरथ वाला जी गा लो, दशरथ जी को बोलना थोड़े था, उनको तो बस हा राम। दशरथ जी का क्या रोल था, अरे क्या कर दिया तुमने, कैसे तुम मेरे कुल में आ गई। तो ओके गई वो गाना था तो मनोज तिवारी को देखिए, कभी कभी ना परिस्थितियां आपके लिए जगह बनाती हैं। आप अपने अंदर हुनर लाओ, ये दुनिया तो ऐसे बहुत कुछ है, बहुत बार आपको बहुत तरह से चलना होता है, लेकिन हुनर लाओ। अगर हुनर है तो प्रकृति भी कभी ना कभी आपके लिए ना वो जगह बना देती है, मौका मिले तो छोड़ो नहीं, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग हैं जो एक चूक होगी आपको हटा करके चले। आपने कहा कि आपके पिताजी भी लिखते हैं गाते भी? नहीं, अब पिताजी नहीं है मेरे। अच्छा। मेरा पूरा जीवन मैं जब से होश संभाला, मेरे जीवन का सबसे बड़ा टीस यही है कि मैं जीवन में क्या बन पाया मेरे बाबूजी को नहीं पता चला। पर वो जहाँ भी होंगे बहुत फख्र होगा आप पर। मनोज जी, जो लिखने वाले हैं वो कुछ शब्दों के पास बार बार लौटते हैं, जैसे गुलजार साहब का जिक्र होता है तो वो चांद के साथ अलग अलग तरह से पेश आते हैं। मैंने आपका लखनऊ सेंट्रल का गाना सुना, मैंने पहला गाना जिसका जिक्र किया, ये जान मारने की बात बार बार वो क्या भोजपुरी भाषा में जब जब प्यार मोहब्बत जाने जा रहा उसकी समीक्षा में क्या करूं? वो हाँ, वो हमारे यहाँ ऐसे रहता है, अरे जान ले लो सो दशरथ मोड में आ जाते हैं। सर क्या है राइटिंग प्रोसेस? लेकिन देखिए, आज भी तो जो भी जब लड़का लड़की प्यार करते हैं तो होते हैं जान, तो हमको लगता है भोजपुरी से ही सब आविष्कार हुआ है। हमें तब से कहे जान मारे ला, और कोई कहता है नहीं जान जाना नहीं, मैं तुम्हारा जान हूँ, तुम्हारी जान हूँ। तो सही है। लोग आप इस वक्त फेसबुक लाइव पर भी हैं और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी की जान किसने मारी। उनके हिस्से का इशारा। देखो यही सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देता। ललनटॉप अड्डा है, आप नौजवान व्यक्ति हैं, नेता के अलावा कलाकार भी हैं और यहाँ सब नौजवान हैं माशाल्लाह, थोड़ा टिप्स भी दे दीजिएगा दो तीन। ये मैं बस आपके नेता योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछ पाया क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, मैंने अखिलेश यादव से भी पूछ लिया था। अरे आप लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, थोड़े कामयाब हो गए, कुछ दो चार चीजें बताइए भाई। वो शायद इसीलिए कहा गया है ना कि भारत मर्यादाओं का देश है, कि कुछ बातें जो कि साथ ही दफन हो जाती है, जो साथ ही चली जाएगी, तो
लेकिन जीवन आशिकी से रहित है रहा ऐसा भी तो नहीं। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए तो। और बिल्कुल जीवन में लाइव होना भी चाहिए लेकिन उसकी एक उसकी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। प्यार करना कहाँ गुनाह है साहब, नहीं निभाए तब फिर गलत है। प्यार करो, खुल के करो, खूब अच्छे से करो, लेकिन करो तो निभाओ, निभाना जरूरी है। मैं मनोज जी ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका पहला गाना मैंने सुना, पिछले सवाल का भी एक सिरा वहीं जाता था, बगल वाली जान मारे लिए, सर आप ही का लिखा हुआ गाना है? नहीं, लिखा हुआ मेरा नहीं है, लिखा हुआ तो कलकत्ते के वो ललन पांडे है, ललन पांडे। अरे भाई ललन टॉप पे ललन पांडे, वो ललनवा हमको गाना दिया। लेकिन बड़ा देखो मेरे लाइफ का ना बगल वाली जान मारे ली बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब चर्चित गाना है, लेकिन बगल वाली शब्द उसमें नहीं था, ललन ने जब दिया था तो वो था ना जुड़ा मेरा के जाली चाल चले ली मत वाली भैया के साली। वो गाने में भैया के साली था, क्योंकि देखिए हमारे जो भोजपुरी का कल्चर है उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड का, इवन आपके यहाँ बुंदेलखंड का भाई, कि अगर हंसी मजाक भी करेंगे तो या तो भाभी से या तो भैया भाभी की बहन से, और सारी रूट की लाइनें बंद है। हाँ ऐसा होता है ना, तो भैया के साली लायक तो मैं थोड़ा सा सोचा कि हम लोग तो प्रगतिशील लोग हैं भाई, क्या ही भैया के साली भैया साली बार बार कहते हैं ना। तो मेरा एक दोस्त है, आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, एडवोकेट है, उनका वो काफी सक्सेसफुल है, उनके अपने चैनल भी है वो बहुत। उसने कहा कि क्या भैया के साली भैया करते रहो तुम लोग, तुम लोग तो बहुत समझदार हो तो क्या करें, बोला बगल वाली करो। और वो मैं कभी नहीं भूल सकता वो गाना है ना, जरा सुन देना भैया, एक तो द खाली पहला पहला नहीं नहीं पहला नहीं तीसरा ओ कनवा में सोबे वाली जुड़ा में लगा के जाली, कनवा में सोबे वाली जुड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली जान मार ली, ओ बगल वाली जान मार ली, गोरे गोरे काल जैसे जैसे दरा। अरे जब ये बाजार जाली लागत तब आए गाली, फिर जान मारी, जब ये बाजार जाली लागत तब आए गाली, चाल चले ली मत वाली बगल वाली जान मारी, ललन टॉप। मनोज जी मुझे तो सियासत से और भी शिकायत बढ़ गई है, एक कलाकार के कुछ अल्फाज खींच लिए सेंसर करने पड़ जाते हैं आपको। नहीं क्या है ना, अच्छा नीतीश जी से दोस्ती हो गई इसलिए नहीं बोलते। नहीं मैं पहले मुझे नहीं लगता था, देखो समय समय पर कुछ कुछ चीजें आपके ध्यान में आती हैं, इसीलिए हम लोग हम भी कई लोग बोलते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि अगर भटका हुआ शाम तक वापस घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो हमको एक समय के बाद आया कि हमें शराब को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो गाने में है कि अखिया में नशा जैसे इंग्लिश शराब के गाने में है, बाद में मुझे लगा कि ये शराब जो है ना ये नुकसान कर रही है। हाँ ऐसे मुझे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, हो सकता है कल विवाद हो जाए भाई, होटलों में शराब बिकती हो हम उसको बैन वैन के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन सड़कों पे स्कूल के सामने मंदिर के सामने मस्जिद के सामने गुरुद्वारों के सामने अगर शराब की बिक्री होती तो मुझे बड़ा खराब लगता है।
खराब लगता है। तो मैं उसमें अभी लोग कहेंगे देखो बांट रहा है, बट अभी हम दिल्ली में अगर ललन टॉप लोग हमको ललन टॉप के मंच से मैं एक लोगों का वो ले रहा हूँ कि हम एक अभियान शुरू करना चाहते हैं भाई, सड़कों पे तो मत बेचो यार, गलत बोल रहे भाई, बार रेस्टोरेंट है जहाँ है वहाँ रहने तो जो लाइसेंस है, तो गुजरात मॉडल जी पॉलिटिकल बात पे खींच रहे हैं, बाद में कहेंगे अच्छा वो पॉलिटिकल पे खींच रहे हैं, नहीं 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 गुजरात सोच रहे हैं, नहीं नहीं बिहार मॉडल निकाल, आपने वो गाने पे सवाल किया ना बिहार मॉडल, हां चला जाऊंगा बिहार मॉडल धकेल दो तो मुझे ऐसे नहीं, मैंने कुछ और कहा आपने गुजरात मॉडल का, ताकि फिर कोई ये इल्जाम ना लगाए कि मीडिया ने गलत कोट कर दिया। सर आप तो कलाकार थे, बड़े सच्चे लोग होते हैं कलाकार, कहाँ झूठा हुआ अभी साफ ही बोल रहे हैं, इसीलिए ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कभी ये फरेब अभी किसी ने सिखाया है कि जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो कह देना कि जी ये तो संदर्भ से काट के पेश कर रहे हैं, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। हमने बहुत सारे नेताओं को हर दलों के अपनी कही बात से मुकरते हुए देखा और सुना है, यहाँ नाम गिनवाने की और बेवजह टूल देने की जरूरत नहीं, पर ऐसा होता है, पर मैं तो मनोज तिवारी मृदुल से मुखातिब हूँ, तो इसीलिए तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि होटल में जो शराब बिकती है वो उसको अलग कैटेगरी में रखना चाहिए, बार रेस्टोरेंट जो होते हैं जिनकी वो अलग होने चाहिए, लेकिन पता चले मॉल में घुस रहे हैं मॉलवा के सबसे पहले सामने ही है बियर वाइन, ऐसा लगता है मॉल में नहीं हम शराब की दुकान में घुस रहे, तो ये मुझे खटक रहा है, इसलिए मनोज तिवारी का मन उधर भटक रहा है। और मनोज तिवारी की ये बात सुन के गुजरात के कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मनोज भैया गुजरात में जब प्रचार करने आएंगे तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ भी रेस्टोरेंट में तो खुलवा दीजिए कम से कम। देखिए मैं जो गाना गाता हूँ और गाता रहूँगा, उधर जैसे हारमोनियम देखता हूँ ना मेरा मन उछलने लगता है, बजा दीजिए, क्योंकि मैं जैसे हूँ ऐसे ही हूँ दोस्त, और मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी मैं इसे इसलिए नहीं करता कि मुझे पता है मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ और जिसके लिए बात कर रहा हूँ उसके दिल तक पहुँचेगी, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत। बिहार का जिक्र आ ही गया है, हमारे एक दोस्त हैं ललन टॉप के अनुराग कश्यप, अभी पिछले दिन अरे उनका गाना गाया ना मैंने, मैं तो अनुराग कश्यप को बहुत थैंक करता हूँ कि उन्होंने मुझे गाना गवाया अपनी फिल्म में, पहला हिंदी फिल्म में वही गवाया, ऐसे बिल्कुल कह के गवाया कि हमारी 15 करोड़ की भोजपुरी फिल्म है, हमने कहा अजीब आदमी, पहली बार गाना भी गवा रहे खुद ही कह दे रहे भोजपुरी है, एक तो हिंदी आने दो, लेकिन देश ने बहुत प्यार से लिया और वो गाना बिहार एंथम बन गया। ये चौथा कला दो, वो अपने जमा हुआ है, ओ जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल, हर जिया हो यूपी के लाला, जिया 10,000 साल, हर जिया हो बुंदेलखंड भारत के नौनिहार, अरे तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया, ओ तनी ओक्का बोक्का तीन तड़ोका गावे भैया भैया भैया, तनी ओक्का बोक्का तीन तड़ोका गावे भैया, तनी सांस फुला के फूकत धूल उड़ावे भैया,
अपने कर्म से माटी का मान बढ़ावा है भैया, अपने कर्म से अपने माटी का मान बढ़ावा है भैया, तली सांस फुला कर भूख का ढोल उड़ावा है भैया, तनी ढोलक तबला मादर लिहलतावा है भैया, तनी मीठे मीठे गीतक बोल सुनावा है भैया, तनी तीखे 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 बोल पे ढोल बजावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन। अब हमको बोलते हैं और ऊपर गाइए और ऊपर गाइए, कितना गा हमने भी शुरू कर दिया, दिंग तारा निंग तारा धे दिंग तारा धीर दिंग तारा नू भैया रे तुम्हें ऐसा बोलते बोलते ना इसी का स्क्रेच आ गया गाने में, बोला हो गया मेरा मिल गया, अनुराग ने स्क्रेच लगाया जैसे मैं गा रहा हूं ना, अब ये मेरी क्षमता में है, वो तो इससे भी एक सुरत पर जा रही है। अच्छा हो हो हो, तो जो हो गया जो खराब जो लगा बोला यही मुझे चाहिए। मैंने पूछा भी अनुराग भाई से क्यों चाहिए, बोले क्योंकि ये गाना होते होते वो मरने वाला। तो देखो बड़े डायरेक्टर की निशानी, बोलता जैसे ही वो क्रास आती है ना स्क्रीच आता है वैसे ही वो मनोज वाजपेयी मर जाए। इसका मतलब है कि एक डायरेक्टर सोच रहा है सुरों में, जिस समय सुर बेसुरा हुआ मतलब हमारा शेष, तो सुर ललन टॉप का सुर बना हुआ है बेसुरा नहीं होगा। थैंक यू सर, आपने बड़ी अच्छी पंक्ति गाई, नाचना गाना मन बहलाना। नरेंद्र मोदी ने कभी मनोज तिवारी का गाना सुना नहीं? अगर आप कभी आप मनोज तिवारी विद नरेंद्र मोदी आप डालिए, मेरी पहली मुलाकात ही नरेंद्र मोदी जी से सूरत में हुई थी और मेरे शो में वो एज चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट आए थे, क्या बात, और 1.5-2 लाख लोग वहाँ गाना सुन रहे थे। आई एम ब्लेस्ड, मुझे मैं बहुत फख्र से कहता हूँ कि मुझे भारत के हर हिस्से ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि मैं रीजनल एक सिंगर हूँ और भारत के हर रीजन में कह के, तो मेरा और नरेंद्र मोदी जी की जो पहली मुलाकात थी वो गाना ही था, जरा से चौथा सुर दिया भैया, अरे केवड़िया खोल है बाबा, ये गाना है। अब पता नहीं हमने क्या कहा, बाबा ने ऐसा दरवाजा खोल दिया, अरे केवड़िया खोल है बाबा। और मैं कहाँ गा रहा था, मैं वहाँ गुजरात में गा रहा, सूरत में, तो गाना था अरे अले गुजरात के बिहारिया केवड़िया खोला है बाबा, अले गुजरात के बिहारिया केवड़िया खोला है बाबा, पगड़िया बांधा है बाबा, पगड़िया बांधा है बाबा। जितने नौजवान लोग हैं यहाँ पे जो ललन टॉप पसंद करते हैं, जो एंकर करते हैं, जो आप लोग क्या नाम है टीम की, पेटी बाजा बैंड, पेटी बाजा इंग्लिश, एक्चुअली हम लोग पेटी बाजा वाले ही। जब मैं पहला प्रोग्राम किया था तो 550 रुपये मिला था, एक पेटी था जो मैं खुद बजाता था और एक ढोलक था जो सुभाष कनौजिया जी बजाते थे, सुभाष कनौजिया जी आज भी मेरे साथ बजाते हैं। क्या था सर? वही बहुत कुछ था सर। सर सुन लीजिए, थोड़ा थोड़ा गरिमा बनी रहे, वो फ्रेंडली हो रहे, इसका मतलब ये नहीं क्या? वो पेटी बाजा मेरे जीवन से, जैसे कोई बोलता है ना पेटी बाजा, तो हम लोग
ये जैसे ही पहले हम लोग मंदिर पे गा के आए, नया था मंदिर पे गाते थे सोमारी मंगलवारी, पता नहीं अगर आप लोग गांव से सुने होंगे, सोमवार को सोमारी होता था, मंगलवार को मंगलवारी। तो उसमें ये थे पेटी लेके आ, अरे बजा के घरे बात तो पता चले कोई ताला बंद कर गोइल बजा ले ले तो पता पेटी आ गई ला बाजा रह गई, कहियो कहियो बाजा आवत रहे पेटी रह जात रहे। तो सोचिए हम लोग तो ढोलक से भी सुर लेते हैं, जैसे ढोलक अपना सुर है, अब किसी इनका भी अपना सुर है, प्रकृति का भी अपना सुर है। आप जरूर लीजिए, ललन टॉप हिट है तो उस पर प्रकृति की कृपा है, कुछ तो बात आप करते होंगे कि भारत के लोग जुड़ जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप ललन टॉप अड्डे पर आए, हमारा मान बढ़ाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सहयोगी ललन टॉप देख रहे हैं, आप भी जल्द देखना शुरू कर दें। नहीं मैं नहीं देखता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो ज्यादा देखते हैं वो लोग तो मेरे, मतलब तो पूछिए मत, तो पंखा है सब। लेकिन हम ललन टॉप को एक देसी प्रोग्राम मानते हैं, पेटी बजाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनोज तिवारी जी के लिए।